नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत पाक के रिश्तों पर अमेरिका की सराह, बातचीत के जरिए दोनों देश सुलझाए आपसी विवाद। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय शांति प्रक्रिया रोकने का किया था ऐलान। 12 अप्रैल को प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के साथ लंच करेंगे पीएम मोदी। 10 अप्रैल को मुंबई पहुंचेगा शाही दंपत्ति। रात्रि भोज के आयोजन में भारत के 200 से ज्यादा फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और उद्योगपति होंगे शामिल। मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद पाक में चलाता है शरिया कोर्ट, काजी होता है जज, इस्लामिक कानून के तहत होता है मामलों का निपटारा। अमेरिका को H-1B वीजा के लिए मिली 2,50,000 अर्जियां, ज्यादातर अर्जियां वर्क वीजा के लिए, अर्जियों में ज्यादातर भारतीय कंपनियां शामिल। अमेरिका ने GST बिल को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी, लाल फीता शाही को खत्म करने के लिए GST होगा मददगार। टैक्स मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच बनी थी सहमति। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा पनामा पेपर्स के जरिए रूस की छवि खराब करना चाहता है अमेरिका। पनामा मामले में पुतिन पर उनके मित्र के साथ विदेश में कंपनी चलाने का है आरोप। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सांप के काटने से पॉप स्टार इमा बुले की मौत, कोबरा के साथ दे रहे थे परफॉर्मेंस, पूंछ पर पैर पड़ने से कोबरा ने डसा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।